तो दोस्तों आज हम आए नागदा से 15 किलोमीटर दूर बोरखेड़ा गांव में, और यहां पे इस घर में कोई सांप है। चलिए देखते हैं कौन सा सांप हमें मिलता भी है। भैया दिखा आपको कोबरा है। कोबरा है, आप बहुत बड़ा है ना भैया, कोबरा है, पकड़ सकते हैं। उधर जा रहा है, क्यों राजेश बाहर आयो, गायब हो गया वो, यहाँ से ऊपर चला गया। भैया रिटर्न आ रहा है, रिटर्न नहीं नहीं मेरी तरफ है, मेरी तरफ फेस इसका, मेरी तरफ है फेस इसका। ये पत्थर गिरा दो, कोई दिक्कत तो, हाँ गिरा दो आप टेंशन मत लो, पकड़ी लो तुम्हें तो, कोई दिक्कत नहीं। अरे उधर से मत जाना, क्या उधर से टापरी गिर जाएगी। अरे यार हाँ बहुत बड़ा है यार, कोबरा है। वीडियो कंटिन्यू रख जाओ, कंटिन्यू वीडियो कंटिन्यू रख जाओ, कंटिन्यू वीडियो। कोबरा है, कोबरा कोबरा है बेटा, कोबरा। अरे उन्हें पहचान थे बोलते ना, कोबरा लगे ओरिजिनल मान डब्बी का मुंह खोलो, मजा लगता ना यार वाकई में। हाँ कोई नहीं, दिक्कत नहीं, केलू टूट जाएगा दला लेंगे फिर बाद में, इससे छुटकारा मिल गया, ये बहुत बढ़िया। एक मिनट पहले ले लो सब, फिर एक बात करनी है। चिल्ला रहे थे, बताता हूँ।
सबसे पहले मैंने फोन लगा देना उसको मारना मत। ले जा बाबू लो तो दोस्तों आज हम रेस्क्यू के लिए आए थे बोरखेड़ा, लगभग नागदा से 15 किलोमीटर दूर। और आपका नाम? बबलू। आपका नाम? निर्मल से। तो इन्होंने हमें कॉल किया था और इनके घर के अंदर आपने देखा कि कैसे मशक्कत करके हमने सांप को बाहर निकाला है। तो सांप कैसा भी हो, ये काफी जहरीला सांप है, लेकिन सांपों को कभी मारना नहीं है। अगर आपको इस तरह के सांप बाइट करते हैं तो बिल्कुल आपको तंत्र मंत्र में नहीं पढ़ना है और सीधे सरकारी हॉस्पिटल में जाके एंटी स्नेक वेनम लेना, क्योंकि ये सांप काफी खतरनाक है। अगर आपने सही समय पर ट्रीटमेंट ले लिया, इंजेक्शन ले लिया, तो आपकी जान बच जाएगी, वरना नहीं। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें, जब भी आपको इस तरह के स्नेक बाइट होते हैं तो सबसे पहले आपको हॉस्पिटल जाकर अस्पताल जाकर एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन लेना, उसका इलाज होता है इसी के जहर से। इवन जब ये काट लेता है, जो मैंने आपको बताया कि इसका इंजेक्शन, तो ये जहर, इसी का जहर आपकी बॉडी में दिया जाता है, आपके शरीर में दिया जाता है। सांप कभी भी आगे रह के नहीं काटते हैं, जब तक आप उसको पकड़ोगे नहीं, जब तक उसको छेड़ोगे नहीं, जब तक वो दबेगा नहीं, तब तक सांप काटेगा नहीं। अगर आपको सांप दिख रहा है उससे दूरी बना के रखो, लेकिन उसको छेड़ो मत। छेड़ो तो भी एकदम आईने में कांदो थोड़ी ना अलग कर, मेरे तो हाथ में था इतनी देर से, तो कुछ नहीं करा। अरे वो तो रात में सोता हुआ, वो सोता हुआ काटा होगा। देखो मैं आपको मैं बताता हूँ वो क्या होता है। छेड़ो मत, हम तो डर लगे मारा पहला। ये सुनो मेरी बात, ये क्या होता है, ये ठंडे खून के प्राणी है। जब आप सोते हो ना तो इनको भी गर्मी चाहिए रहती है, तो गर्मी की वजह से आपके पास आ जाते हैं। तो आप अगर आप सो तो मच्छरदानी लगा के सो लो, क्या दिक्कत है। तो सुबह में बारिश के समय थोड़ी सी अपन भी सतर्कता रख लो। ऐसी जगह रहे हो जहाँ सांप आना संभव है। अब आप कहीं ऊपर चौथी पांचवी मंजिल पे रहते तो वहाँ सांप नहीं आता। देखो भाई साहब, अरे एक बात बोलो दादा, ऐसा है कि मौत आनी है तो फिर कहीं से भी आ जाएगी, ठीक है ना। सही बात है, एक बात है याद है, मौत आनी होगी तो कहीं से भी आ जाएगी।